हेलो, मेरा नाम प्रखर सिंह है। मैं धम्मौर सुल्तानपुर यूपी से हूँ और मेरी स्लीप ऑपनी सर्जरी हुई है। मेरे विंड पाइप में, लंग्स के विंड पाइप में ट्यूमर था। इसकी वजह से मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती थी, जो जल्दी थक जाता था। सो आज हम जो बात करेंगे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में करेंगे जो लखनऊ से हमें रेफ़र किया गया था। सो मिस्टर प्रखर सिंह लखनऊ की इमरजेंसी में पहुंचे, उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। जब उनका एक्सरे किया गया तो उनका एक लंग पूरा कोलैप्स पड़ा हुआ था। सो नॉर्मली क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बहुत सारी जगहों पर इसको न्यूमोथोराक्स समझा जाता है और चेस्ट ट्यूब डाल दी जाती है, लेकिन वहाँ के जो हमारे फिजिशियंस हैं उन्होंने बहुत ही समझदारी से इसको बिहेव किया कि उन्होंने जल्दी से सोचा कि एक ये चीज देख लें कि इसकी ब्रोंकोस्कोपिक करके देख लें कि सांस की जो मेजर नलियां हैं उसके अंदर तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है जिसकी वजह से ये हुआ। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने ब्रोंकोस्कोपी की तो इनके जो लेफ्ट मेन ब्रोंकस में देखा गया कि एक ग्रोथ है वहां पे, और उन्होंने फटाफट उस ग्रोथ की बायोप्सी की। बायोप्सी करने के बाद उस ग्रोथ के आसपास जो रेशा जम गया था उसको हटाया और फिर एक्सरे किया गया तो इनका लंग एक्सपैंड हो गया था। तो वो जो बायोप्सी आई इनकी, वो कार्सिनॉइड ट्यूमर आई। ये बहुत ही कॉमन ट्यूमर है जो सांस की नलियों में हो जाता है, जो बहुत सारे तरीकों से प्रेजेंट करता है। कभी ये पेशेंट लंग कोलैप्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, कभी बलगम में खून आने के साथ प्रेजेंट करते हैं, कभी कभी सांस में आवाज की तरह प्रेजेंट करते हैं। और मैक्सिमम टाइम हमने देखा है इन लोगों को दवाइयां दे दी जाती हैं और कहा जाता है अभी कुछ नहीं करना है। बट ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं हो सकता, इसमें एक शल्य चिकित्सा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए इस पेशेंट को हमारे पास रेफर किया गया, हमने पेशेंट को इवैल्यूएट किया सर्जरी के लिए और इनको प्रिपेयर किया गया एक बहुत ही अत्याधुनिक शल्य चिकित्सा के लिए, एक सर्जरी के लिए जिसको कहते हैं स्लीव लोबेक्टमी। स्लीव लोबेक्टमी क्या होता है, उसमें हम लंग को मैक्सिमम बचाने की कोशिश करते हैं, प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। आज से कुछ साल पहले जब ये सर्जरी इन बीमारी के लिए की जाती थी जिसमें एंडोब्रोंकियल ग्रोथ्स होती थी या कार्सिनॉइड्स होते थे, तो लंग को काट के निकाल दिया जाता था, जिसको न्यूमन नेक्टमी सर्जरी कहा जाता था, जिसमें पूरा लंग निकाल दिया जाता था। बट अब हम अत्याधुनिक तरीके से लंग को काफी ज्यादा प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं और यही डिक्टम है इस सर्जरी का। और ये सर्जरी कामयाब रही, इसके बाद उनका पूरा लंग एक्सपैंड हो गया। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में उनको एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी कराई गई जिसकी वजह से उनका लंग एक्सपैंडेड रहा। कुछ दिनों में इनकी चेस्ट ट्यूब निकाल दी गई और इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरा नाम कौशल प्रताप सिंह है, प्रखर सिंह मेरा बेटा है, अभी 19 साल का है। और ये दिक्कत आने के बाद मैं इतना घबरा गया था कि मुझे ये नहीं लग रहा था कहाँ लेकर के जाएं। लेकिन लखनऊ में डॉक्टर रजनीश सर ने जब हमको सजेस्ट किया डॉक्टर हर्षवर्धन सर के लिए, तो हम यहाँ आए। उन्होंने सारी रिपोर्ट पहले भेज दी थी और रिपोर्ट देख करके डॉक्टर साहब ने कहा कि आप रात में चले आइए। हम रात में ही आकर के पहुँच गए थे और जब डॉक्टर साहब ने समझाया तो हमें कुछ हौसला बढ़ा। उसके पहले हिम्मत छूट गई थी कि पता नहीं बच्चे को हम बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी तरीके से समझाया और इतनी अच्छी तरीके से उसको ट्रीट किया कि आज जो है हमारा बच्चा और हम उनको भगवान की तरह मानते हैं और पूरे मेदांता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।